फिर हम मैं वही बोल रहा हूँ आपको, साहब आ रहे हैं, 5 मिनट रुको। ठीक है, क्या बात, 5 मिनट रुको, उनसे बात कीजिए और जाइए ना। हाँ, लाइसेंस क्या गलत किया है हमने जो आप लाइसेंस क्यों ले रहा है बताइए। आप कहाँ जा नहीं सके, नहीं जा सकते, जाने के बाद आपके पीछे पीछे आने लगे। चलिए, हम नहीं यार, अरे हमारे साथ हर रोज होता है, मैं जा ही नहीं रहा। लाइसेंस देने के बाद अच्छा चला जाता, हम लोग यहीं खड़े, उसके पीछे पीछे जाने के जाएंगे क्या बताइए। आप यहीं खड़े, हम बैठ भी नहीं रहे यार। आप लोग मुझसे सच बोल रहे, लेकिन ऐसे कम लोग होते हैं ना सच बोलने वाले। अब हम हैं तो हम, अरे यार कैसे है, 5 मिनट में रुको ना, 5 मिनट में देता हूँ, रुकिए सर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम। आज हम लोग ट्रैकिंग के लिए रायगढ़ फोर्ट जाने वाले थे, जाने वाले इसीलिए थे क्योंकि जब हम पहुँचने वाले थे बेस विलेज, वहाँ पे पुलिस ने रोका एंड पुलिस ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया रायगढ़ फोर्ट जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला गाड़ी साइड में लगाओ एंड लाइसेंस दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल चेकिंग चल रही है, तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई एंड मैंने उनको लाइसेंस दिखाया। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने लाइसेंस ले लिया, फिर उन्होंने बोला आप वेट करो 5 मिनट, हमारे सर आ रहे हैं एंड देन वो आपसे बात करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, पर मैंने उनसे पूछा कि क्या रीज़न है आपने लाइसेंस क्यों लिया है, मैंने ऐसा क्या गलत किया है। तो उन्होंने बोला कि पर्यटन अलाउड नहीं है। मैंने बोला अच्छा सर ठीक है, फोर्ट बंद होगा तो मैं तो अभी रोड पर ही हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने लाइसेंस वापस नहीं किया। उसके बाद थोड़ी देर रुके और दूसरे जो उनके सर आए, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप शूटिंग क्यों कर रहे हो। मैंने बताया सर कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड लोगों को पता चलेगा ताकि कि वीकेंड पे आप नहीं आ सकते हो एंड सब कुछ बंद है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप नहीं कर सकते हो शूटिंग एंड वो मुझे बोलने लगे कि आप क्राइम कर रहे हो, ये बहुत गलत है, आप सरकारी काम में दखल दे रहे हो। तो मैंने बोला सर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और इनको नहीं पता है कि आप नहीं आ सकते हो अभी इस टाइम पे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, पर वो माने नहीं एंड एंड में उन्होंने चालान काटा। हालांकि मैं अकेला था अपनी कार में इसलिए मेरा चालान नहीं काटा, बट काफ़ी सारे लोग जो 3-3, 4-4 लोग थे गाड़ी में उनका चालान काटा उन्होंने एंड वो सब वापस हैं, तो मैं भी वापस जा रहा हूँ। तो या आज का प्लान सक्सीड नहीं हो पाया, बट ठीक है, मतलब लॉकडाउन अच्छी चीज़ के लिए है ताकि लोग भीड़ ना करें जगह जाकर। तो आई कम्प्लीटली सपोर्ट एंड देखते हैं नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे एंड अभी रास्ते को एंजॉय करते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है, थोड़ा बुरा ज़रूर लग रहा है क्योंकि पूरा ट्रैकिंग के मूड से आया था एंड वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा। बाकी यहाँ रास्ता इतना अच्छा है एंड यहाँ पे रास्ते में बीच में इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, हर जगह रुकने का मन करता है। तो मैं एक जगह रुका हूँ, यहाँ पे एक ट्रेल जा रहा है ऊपर पहाड़ पे कहीं, अब वो पता नहीं कहाँ जा रहा है एंड वहाँ कौन रहता है, बट काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो ये जो ट्रेल जा रहा है सामने, मैंने अभी कुछ लोगों को जाते देखा बट मुझे नहीं पता ये क्या है, हो सकता है ये भी कोई ट्रैक हो, बट हाँ मतलब आसपास भी सब कुछ इतना ग्रीन है, मतलब रोड के दोनों साइड ग्रीनरी है एंड दोनों साइड पहाड़ हैं और पहाड़ों पे फॉग दिख रहा है। तो बस अभी चलते हैं आगे, गाड़ी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है, बट ठीक है।
मैंने रुक के बीच में गूगल पे सर्च किया टूरिस्ट प्लेसेस नियर मी, तो काफ़ी सारी जगह दिखा रहा है, पर एक जगह है जो काफ़ी पास है, एक व्यू पॉइंट है, तो वहाँ जाकर देखते हैं, पर पता नहीं वहाँ जाने मिलेगा या नहीं, पर ट्राई कर सकते हैं। एंड अभी से 10:30 बजे हैं तो काफ़ी टाइम भी है हमारे पास, तो चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए वैली व्यू पॉइंट, काफ़ी अच्छी जगह है। अनएक्सपेक्टेडली कभी कभी गूगल इतनी अच्छी लोकेशन सजेस्ट कर देता है, मुझे आइडिया नहीं था ये इतनी अच्छी जगह है। एंड यहाँ से पूरा वेस्टर्न घाट्स का, पूरा सह्याद्री रेंज का व्यू आता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक बार। मैंने सुबह 4:30 बजे चाय बनाई थी और अभी भी गर्म है। ऐसी जगह आके चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। इतनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस चलते हैं अब यहाँ से। सुबह से बहुत भूख लग रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खा लिया है, एंड थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है, तो आई थिंक चलना चाहिए। आई होप आपको ये जगह अच्छी लगी हो। एंड इस जगह का नाम है वैली व्यू पॉइंट, और ये NH 48 से एक लेफ़्ट टर्न लेना होता है, आपको गूगल पे मिल जाएगा ये, तो आप आ सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर पिकनिक भी कर सकते हैं आके, तो नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं कुछ ऐसा। सो गाइस यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं, हालांकि मैंने थोड़ा खा लिया था पर काफ़ी भूख लग रही है, तो एक अच्छी जगह दिखी है, देखते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है। यहाँ पे फुल थाली है, मेरा फुल थाली खाने का मन नहीं है, देखते हैं कुछ पोहा वगैरह मिल जाता है तो बेस्ट है। पोहा है क्या भैया? पोहा होगा क्या? पोहा है, ठीक है आप एक प्लेट पोहा कर दीजिए। एक प्लेट पोहा। बैठने का कहाँ पर है? बैठने का कहाँ पर है? सर बैठने को परमिशन नहीं है। अच्छा परमिशन नहीं है, ये अंदर कैसे चालू है फिर? हाँ अंदर कैसे चालू है? वो उनको परमिशन है, वो होटल की नहीं। अच्छा उनको है परमिशन, स्नैक सेंटर नहीं इसके परमिशन। अच्छा अच्छा है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।